नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और चिकित्सा ज्योतिष वन। अब ये एक नंबर से आप लोग समझ गए होंगे कि आज एक नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। बहुत लोगों का डिमांड हो रहा था कि सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, लोग बीमार होते हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है तो इसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। 500 पाठ तो आपके आ गए और हमको भी वर्तमान समय में स्वास्थ्य से संबंधित पाठ आप लोगों को देने का बड़ी इच्छा हो रही थी, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को चिकित्सा ज्योतिष से संबंधित पाठ को प्रारंभ करें और ये पाठ लंबा चलेगा। आप लोग धैर्य पूर्वक इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम जानते हैं कि हमने कहा है कि एक वर्ष के बाद हम और आप सिर्फ ज्योतिष की बातें करते रहेंगे और पाठ लगभग आपको जितना चाहिए उतना प्राप्त हो जाएगा। अभी तो स्वयं हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि हम किस किस की भावनाओं का कद्र करें। कोई कहते हैं सर प्रश्न शास्त्र प्रारंभ कर दीजिए, किन्हीं के द्वारा ये आता है कि सर मुहूर्त कैसे देखेंगे, पंचांग कैसे देखेंगे, कहीं से ये प्रश्न आता है कि सर वर्ष कुंडली के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये आता है कि मिलान कैसे करेंगे पत्रिका में, कुंडली मिलान ये कैसे होगा, इस पे चैप्टर दे दीजिए। तो हम भी बंधन में है। अब आप कहेंगे किसका बंधन है, तो ये समय का बंधन है। जितना समय मिलता है उतना आप लोगों के लिए पाठ लेकर के आते हैं और आज जो पाठ प्रारंभ कर रहे हैं वर्तमान समय में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हम चिकित्सक के पास जाते हैं और लूटे जाते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो जो कहे कि डॉक्टर साहब बड़े अच्छे थे, उन्होंने ये छोटी सी बीमारी थी बहुत 10 रुपए के में इलाज संभव हो गया। आप चाहे अपने गली में किसी डॉक्टर के पास जाएं या किसी बड़े अस्पताल में जाएं या फिर सरकारी अस्पताल में जाएं, कहीं भी जाएंगे तो मेडिकल का जो खर्च है वो वर्तमान समय में सबसे अधिक, आपके राशन से अधिक। आपके घर में यदि दवा की खर्च हो गई हो तो आपके लिए ये पाठ और जरूरी है। अब यहाँ पर बात आती है कि स्वास्थ्य से संबंधित जवाब हम देंगे कैसे। हमारे पास तो कोई टूल है नहीं कि हम किसी का ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, किसी का एक्सरे करवा सकते हैं, और आजकल तो MRI और न जाने क्या क्या विज्ञान तकनीक अपने क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। तकनीक अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा, विज्ञान अपने क्षेत्र में आगे बढ़ा, अंग प्रत्यर्पण तक की व्यवस्था हो गई, लेकिन हम सुखी नहीं हुए। क्योंकि एक तो स्वास्थ्य से जो परेशानी है वो तो है ही, वो शारीरिक दंड हम भोग ही रहे हैं, और जैसे ही हम उसकी परेशानी से बचने के लिए जाते हैं तो आर्थिक दंड भी प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे वैज्ञानिकों को बहुत धन्यवाद जो इतने जल्दी, हम कहेंगे अभी कलयुग का तो प्रारंभ ही कहें, समय में अंग प्रत्यर्पण तक पहुंच चुके हैं और बहुत सारे ऐसे कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज ढूंढने में अपना जीवन लगा देते हैं। लेकिन वैसे डॉक्टर को कभी धन्यवाद दिल से नहीं दे सकता जिन्होंने इसको एक बहुत ही बुरा व्यवसाय बना लिया। चलिए इसकी चर्चा करने की हमारी आवश्यकता, हमको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं समझदार हैं और हम कैसे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे, और हम कैसे अस्वस्थ होते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हम जो भी चर्चा करते हैं ये आप जानते हैं ज्योतिष वेदांग है और वेदों से परे कुछ भी नहीं है, और हमारे वेदों में आयुर्वेद की चर्चा है, तो अर्थात ये पूर्व से ज्ञात था कि यदि इंसान है, यदि स्वास्थ्य है तो अस्वस्थ भी लोग होंगे।
और अस्वस्थ होने का कारण और निवारण दोनों हमारे वेदों में बताया गया है। और वेदों में जितनी सरलता से बताया गया है और जितने आराम से आप आगे इसको समझ पाएंगे, ये वेदों की खूबसूरती है। तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसको एक धर्म मान करके नहीं चलना चाहिए। इसीलिए तो इसको सनातन सत्य कहते हैं, जिसका मूल ये चार वेद है। हम जन्म लेते हैं और मरण पर्यंत तक, और हम कहें सूर्योदय से सूर्यास्त और पुनः सूर्योदय तक, 24 घंटे में चर और स्थूल दोनों के द्वारा इस प्रकृति में, प्रकृति के उपयोग उपभोग के साथ साथ सारे नियम धर्म बताए गए हैं। ये कहीं किसी अन्य धर्म शास्त्रों में संभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने परेशान हैं। तो इसको आज से समझिए, हो सकता है कि कुछ परेशानी कम हो जाए। स्लोगन देखते हैं, तन ही धन है, स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इन सारे स्लोगन से एक ही चीज स्पष्ट होता है कि इंसान को स्वस्थ रहना जरूरी है। और ज्योतिष ये बताने में सक्षम है कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बीमारी होगी तो कौन सा अंग आपका पीड़ित होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, आप उसके उपरांत स्वस्थ रह पाएंगे या जीवन पर्यंत बीमारी को ढोना पड़ेगा, इसको कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। आज मान लिया जाए कि आज आपको बुखार है, वो ठीक हो गया, कल कोई दूसरी बीमारी होगी, परसों कोई गंभीर बीमारी संभव है, और वो सभी बीमारियों का इलाज करता रहेगा। तो हम कहते हैं कि यहाँ ज्योतिष सक्षम है बीमारी बताने में और बीमारी की तीव्रता बताने में, और बीमारी से क्या प्राण भय होगा या प्राण चला जाएगा इसको बताने में। तो यदि ये संभव है तो ये हम आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। और आज प्रारंभ करते हैं चिकित्सा ज्योतिष पाठ 1। तो सबसे पहले रोग को दो विभागों में बांट दीजिए, एक रोग हम लोग समझेंगे और दूसरा व्याधि समझेंगे। अब व्याधि से क्या मतलब है इसको संक्षेप में चलते हैं और फिर हम रोग पे चलेंगे। रोग और व्याधि शब्द एक जैसा है लेकिन अर्थ बहुत अलग है। ये व्याधि जो है चोट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, गोली लग जाना, आग में जल जाना, अचानक आई परिस्थितियों से शरीर को जो नुकसान पहुंचता है उसको व्याधि कहते हैं। ये तो आप लोग समझ गए, उसको रोग नहीं कहते। किसी का पैर टूट गया उसको रोग नहीं कहते, वो व्याधि है। ठीक है, इलाज उसका अस्पताल में ही होता है जहां रोगियों का इलाज होता है। अब कोई आग में जल गया, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आप आग में जल गए, तो ये व्याधि है, ये रोग नहीं है। रोग अपने ही शारीरिक विकारों से उत्पन्न जो परेशानियां हैं उसको रोग कहते हैं। ये तो हम लोगों ने बहुत ही साधारण समझों में समझा कि रोग किसे कहते हैं। तो हमारे पास जो ये शरीर है इसमें ही विकार उत्पन्न होता है। अच्छा, ये विकार उत्पन्न कैसे होता है? या तो शरीर के अंदर से होता है या फिर बाहर से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दो परिस्थितियों में हमारा शरीर बीमार होता है। एक, अपनी संरचनाओं में, अपने अवयवों में कोई परेशानी प्रारंभ हो जाए। दूसरा, वातावरण में कोई परेशानी है और आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, उससे
अब वातावरण में परेशानी का मतलब है कि आप कहीं ऐसे जगह पे चले गए जो बहुत गंदा था, वहाँ बहुत कीटाणु विषाणु थे और आपने किसी न किसी माध्यम से उसको अपने शरीर में ग्रहण कर लिया। और सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो हमारी श्वास की नली है, हम इसके द्वारा बहुत कुछ ग्रहण करते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ शारीरिक रूप से हम बीमार होते हैं, इसके भी दो कारण है, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब बाह्य कारणों के लिए जिम्मेदार कौन है? तो हम और आप। क्यों? क्योंकि हमारे सृष्टि का निर्माण इसलिए नहीं हुआ था कि हम इसका दोहन करें, और हम प्रकृति का दोहन करते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को बीमार होने के लिए मजबूर करते हैं। चलिए इस पे चर्चा होते रहेगी, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर बहुत चर्चा करते हैं और पोल्यूशन की समस्या, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, इस पे पूरा विश्व चर्चा करते रहता है। भारत को सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहते हैं, यहाँ आयुष्मान भारत जैसे योजनाओं को लाया गया और सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका में मोदी केयर चलाया गया। तो क्या आयुष्मान भारत और मोदी केयर जैसे योजनाओं से आदमी स्वस्थ हो जाएगा? ये संभव नहीं है। हमको और आपको मिल करके इंसान स्वस्थ कैसे रहे, उसके मूल में, जड़ में जाना हो। खैर, हमारे सामर्थ्य में है नहीं, हमारे सामर्थ्य में है आपको सजग रखना, ज्योतिष के माध्यम से कुछ बता पाना, वो हम जरूर करेंगे। आपके सामर्थ्य में जो है वो आपको भी करना चाहिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और फिर स्वास्थ्य की ही बात करते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, ये जो प्रकृति है, ये पांच तत्वों से निर्मित है। और ये पांच तत्व क्या क्या हैं? ये प्रकृति पांच तत्वों से निर्मित है, जिसको कहते हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। अब ये हमारी प्रकृति ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम चर और स्थूल रूप में देखते हैं, चर रूप में हम मानव हैं, इधर से उधर विचरण करते हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, और स्थूल में पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं। तो जो भी मटेरियल हमको प्राप्त है वो इसी पांच तत्वों से निर्मित है, छठा कोई तत्व आज तक किसी ने ढूंढा नहीं। और हमारा शरीर भी इसी पांच तत्वों से बना है, चाहे हम दफनाए जाएं या हम जलाए जाएं या हमारी अंतिम क्रिया जिस भी प्रकार से की जाए, हम पुनः इसी पांच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो ये जो शारीरिक ढांचा है, इन पांच अवयवों से ही, या कहे पांच तत्वों से ही बना हुआ है। अब इन पांच तत्वों का संतुलन यदि आपके शरीर में बिगड़ता है तो आप बीमार होते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि ये जो पांच तत्व हैं, अब प्रकृति में भी कोई परेशानी है तो इस पांच तत्व के संतुलन के बिगड़ने से ही परेशानी है। वायु प्रदूषित हो जाए, आग मतलब जिसको वार्मिंग कहते हैं वो बढ़ जाए, जल भूमि से प्राप्त होने वाले जल आप देखते हैं कि दिनों दिन और नीचे जाता जा रहा है, आकाश तो आकाश आप देखते ही हैं, लेकिन इसका एक शून्य से अर्थ होता है, हम आगे इसकी व्याख्या करेंगे। तो आप समझते हैं कि इसी पांच तत्व के बिगड़ने से हम ग्लोबल वार्मिंग के शिकार हैं, प्रदूषण के शिकार हैं, और इसी पांच तत्वों का संतुलन यदि हमारे शरीर में बिगड़ जाए तो हम बीमार होते हैं। अब बीमार होने के लिए जो कारण है, और ये पांच तत्वों में से कोई भी तत्व बिगड़ता है तो हमको तीन, यहाँ ये पांच तत्व लिख देते हैं और यहाँ ये तीन दोष लिखते हैं।
बहुत आराम से समझना है। आप जानते हैं कि पाठ लगातार आएगा। अब ये पांच तत्वों का संतुलन यदि बिगड़े तो तीन प्रकार के दोष होते हैं। पहला दोष है पित्त, दूसरा दोष है कफ और तीसरा दोष है वात, जिसको वायु भी कहते हैं। हम और आप सभी परिचित हैं। अब ये तीन दोष ही है जो कई प्रकार के रोगों को जन्म देता है और चौथा कोई दोष नहीं है। अच्छा, इसको हमारा जो आयुर्वेद है वो इसी तीन दोषों पर चलता है और हम जहां तक हमको ज्ञात है कि जो वर्तमान समय में मेडिकल का प्रैक्टिस है, जिसको कहते हैं वर्तमान में चिकित्सा की जो व्यवस्था है, एलोपैथ जिसको कहते हैं, वहां भी यही तीन दोष मूल रूप में है। अगर हमको कहीं से इन्फेक्शन भी होता है, कुछ खाने पीने में इन्फेक्शन हो गया और पेट की परेशानी शुरू हुई तो क्या होता है, वायु दोष बढ़ जाता है, या कोई पित्त की परेशानी हो जाती है या कफ हो जाता है। तो दोष यही तीन होंगे और इसी तीन दोष से न जाने कितने प्रकार के रोग और हर वर्ष नए नए रोग हम लोगों को ज्ञात होता है और हमारे वैज्ञानिक उसके पीछे लगते हैं। तो ज्योतिष को भी इसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने पेट के पीछे परेशान हैं। तो अब हम लोगों ने समझा कि ये पांच तत्व, यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए तो इन तीन दोषों में से कोई एक दोष आपके शरीर में बढ़ेगा और आपके शरीर को बीमार करेगा। और शरीर बीमार दो ही तरह से होता है, या तो शरीर अपने क्रियाओं से बीमार होता है, आपके खान पान से, आपके शरीर में जो भी संतुलित आहार न प्राप्त होने से, या फिर बाहर में जो गंदगी है उससे प्रभावित होकर शरीर बीमार हो जाता है। तो इन दो चीजों को तो हम लोगों को समझना ही है। हम लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि और क्या कारण हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तन तभी बीमार होगा जब हमारा मन बीमार होगा। ये सभी जगह कहा गया, आपको ब्लड प्रेशर होगा तो भी कहेगा थोड़ा प्रसन्न रहिए, डायबिटीज ऊपर नीचे हो रहा है फिर भी कहता है चिंता नहीं करना है। तो ये जो डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं, ये क्यों देते हैं, कभी सोचा कि अर्थात बीमारी के जितने भी कारण हैं वहां अधिकांश बीमारियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे मन से जाता है। अब मन को समझने के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं ये मन बहुत ही जरूरी चीज है हमारे ज्योतिष का, और इसके कारक भी आप लोग जानते हैं। तो मन को संतुलित, अब ये तो हमने कहा ये पांच तत्व है, ये तीन दोष है, तो हम अपने मन को कैसे संतुलन में रखते हैं और क्यों नहीं रख पाते, दोनों बात है। रोज हमको कहा जाता है चिंता नहीं करना फिर भी करते हैं, और हो जाता है चिंता हम करना नहीं चाहते फिर भी होता है। हिम्मत से काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, फिर भी हम डरते हैं। ये जानते हैं कि हिम्मत से काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो शारीरिक जो भी कष्ट होता है उस कष्ट को प्रारंभ होने से पूर्व क्या मानसिक परेशानी की वजह से भी बीमारी होती है? 100% होती है। और बीमारियों का विकास हमारे मानसिक कमजोरी की वजह से अधिक होता है। तो जैसे ही यहां मानसिक मन की बात आएगी
तो गीता में लिखा है प्रकृति तीन गुण संपन्न है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और हम सब इसी तीनों गुणों में व्याप्त हैं और तीनों गुणों को धारण करते हैं। आप कहेंगे कि आज का पाठ तो प्रवचन जैसा है, हम नहीं, बिल्कुल आपको वहां पहुंचाना चाहते हैं जहां से आप प्रारंभ कर सकते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। और कहते हैं कि हम जो यहां भी कार्य कुछ कर रहे हैं तो ये हम कर रहे हैं, ये हमारे मन में आया, ऐसा नहीं है। कहते हैं कोई भी कार्य प्रकृति उत्पन्न करता है और उसको समाप्त भी वही करता है, हम आप कुछ नहीं करते, सिर्फ एक साधन मात्र हैं। कहते हैं ना कि एक करियर है जो हमारे ऊपर चलता है, हम उसको ढोने वाले हैं। तो प्रकृति से प्राप्त तीन गुण, और इसी तीन गुण से ही ये पूरे ब्रह्मांड चलते हैं, और वो गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और अब ये गुण जो है क्या दिखता है? नहीं दिखता ना, इसको आप अनुभव कर सकते हैं। अब ये तीन गुणों की जब हम बात करें तो हमारा विज्ञान बहुत आगे गया और परमाणु बम तक बनाया। और परमाणु किसे कहते हैं? तो सबसे छोटा कण, जिसको टुकड़ा भी नहीं कह सकते, कण। लेकिन जब उसको और छोटा बनाया गया तो उसको भी तीन ही प्राप्त हुआ, चौथा नहीं हुआ। वो परमाणु के भी तीन ही टुकड़े कर पाए, चौथा टुकड़ा नहीं कर पाए। और आज फिर उस जो आखिरी टुकड़ा है, वो जो तीन टुकड़े हैं, उसको भी टुकड़ों में नहीं बांट पाए। तो यह सनातन सत्य है कि यही तीन गुण विद्यमान है प्रकृति में। अब इन तीन गुणों का यदि संतुलन बिगड़ता है तो हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं। तो सबसे पहले ये है, पहला नंबर यही है, दूसरे नंबर में ये है, और तब तीसरे नंबर में ये है, फिर लौट के यहीं आएंगे आप। तो हमको क्या क्या पढ़ना है स्वास्थ्य के लिए, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमको आगे, इसके आगे क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये मानसिक रूप से हमको अगर इसका संतुलन बिगड़ता है तो हमारी मानसिक परेशानी प्रारंभ होती है, और जैसे ही हम मानसिक रूप से परेशान होना शुरू करते हैं तो ये पांच तत्व बिगड़ते हैं, और पांच तत्व बिगड़ते ही ये तीन दोष में से कोई एक दोष हमको प्राप्त होता है और हम बीमार हो जाते हैं। और जैसे ही हम बीमार होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप पहले मानसिक रूप से मजबूत हो जाइए, तभी दवा और दुआ दोनों का असर होगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे ये भी जानते हैं कि सबको स्वस्थ रहना चाहिए। अगर आप स्वस्थ नहीं रहते तो परिवार के ऊपर आप कितने बड़े बोझ हो जाते हैं, और यदि आप ही कमाने वाले हैं और आपके स्वास्थ्य में परेशानी हो गई तो जो आपके ऊपर आश्रित है उनको कितनी परेशानी होगी, इन बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो इसीलिए सारी दुनिया को भूल करके अपने स्वास्थ्य की चिंता सर्वप्रथम करनी चाहिए। अगर आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं तो आपके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। और हम इन्हीं तीनों की व्याख्या आपको करते रहेंगे और बताते रहेंगे
कि हम ज्योतिष से कैसे रोग का निर्णय करते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाठ आप लोगों को समझ में जरूर आता होगा। अब रोग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप लोग अपने अपने नोटबुक में तैयार कीजिए और वो भी धीरे धीरे पूछना प्रारंभ कीजिएगा। और इनसे संबंधित जो बेसिक ज्ञान हमने आपको 1 से 100 पाठ तक दिया है उसको रिमाइंड कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ समझ में आता होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि आज से आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित सभी बातों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और स्वस्थ रहने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।